पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर, यहाँ पर क्या है इंडक्टर में कितना पावर सप्लाई होगा ये देखना है। तो वोल्टेज इनटू करंट किसी भी टाइम की जो इसमें पावर सप्लाई होगा वो ई इनटू आई होता है। तो ई जो हो गया वो एल इनटू डी आई बाय डीटी, सब जानते हैं कि ड्यू टू इंडक्टर इंडक्टर की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है डी आई बाय डीटी मैग्नीट्यूड वाइज, और उसके साथ में आई क्या हो गया करंट। तो यहाँ हो गया एल इनटू आई इनटू डी आई बाय डीटी, ये पावर एट एनी इंस्टेंट है। तो आपसे बोला गया डीटी टाइम में कितना एनर्जी स्टोर करेगा इंडक्टर डीटी टाइम में, तो एनर्जी जो बैठा पावर इनटू टाइम, तो स्मॉल एनर्जी के लिए P into dt लिख दिया जितना टाइम पर बात किया गया। तो हमने पावर को लिखा L into di by dt into dt। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि dt से ये dt क्या किया कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें लिख दिया हमने यहाँ L I into di। अब हमें फाइंड करना है पावर स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर का जीरो से I तक करंट को ले जाने में कितना पावर स्टोर किया है कंडक्टर, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी स्टोर बाय इंडक्टर, एनर्जी स्टोर बाय इंडक्टर टू रेजिंग रेजिंग करंट फ्रॉम जीरो टू आई, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया इंटीग्रेट करेंगे जब आई की वैल्यू जीरो था एनर्जी स्टोर इंडक्टर में जीरो था, और जब आई की वैल्यू आई होगी एनर्जी स्टेट जीरो होगी। तो यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिसर्च वो आ जाता है हाफ एल आई स्क्वायर, कितना आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। यानी अगर उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो किसी इंडक्टर में, तो अगर उसमें पूछा जाएगा कितनी एनर्जी स्टोर है तो आप क्या कहेंगे हाफ एल आई स्क्वायर, कितना ध्यान रखिएगा। इसको हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी डेंसिटी से। एक्चुअल में देखा जाए इंडक्टर के अंदर क्या है पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक और मेथड से हम इसे निकाल सकते हैं, एक और मेथड से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले से, ठीक है। वहां से भी सेम रिजल्ट आएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, फिर उससे मैं नेक्स्ट डेरिवेशन से निकाल के बताऊंगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बात कीजिए एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड की एनर्जी डेंसिटी जो है वो आता है बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, और इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिक डेंसिटी आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। चलिए अब देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर इन ए करंट कैरिंग इंडक्टर। एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर किया करंट कैरिंग इंडक्टर, करंट कैरिंग इंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारा इंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए है, ये क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स,
और ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एल जो है स्मॉल ही यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल एल जो होगा वो हो जाएगा आपका पोजीशन का सॉलिड सेल्फ, ये एल जो होगा सेल्फ इंडक्टेंस होगा लेंथ, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि इसके अंदर में कितना कितना एनर्जी स्टोर है, ठीक है। एनर्जी स्टोर की इंडेक्स अब हम यहाँ फाइंड करते हैं, एनर्जी स्टोर इन दिस इंडक्टर एंड ट्यूब इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वो बता रहा है यूनिट वॉल्यूम का, तो मैं टोटल के लिए टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया v स्क्वायर बाय 2 mu नॉट, ये वॉल्यूम हो गया a इनटू f, ठीक है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं b फाइंड करने के लिए, सब कोई जानता है mu नॉट n इनटू i, mu नॉट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, mu नॉट n इनटू i। इंडक्टर के केस में हम इंडक्टर अक्सर जो है आइडियल सोलेनोइड को लेते हैं, आइडियल सोलेनोइड में क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, बहुत छोटा किसके लेंथ के कंपेयर में, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स को एन बाय एल इनटू पाई कहेंगे, एन बाय एल इनटू पाई कहेंगे, ठीक है। और इस जब b की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करते हैं, इसमें हम जब पुट करेंगे b स्क्वायर लिखेंगे, यह म्यू नॉट स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा n बाय f का स्क्वायर इनटू i स्क्वायर, ठीक है। नीचे में आ जाएगा 2 म्यू नॉट, ठीक है, 2 म्यू नॉट होगा इनटू a इनटू f होगा, ठीक है, समझना आ रहा। यहाँ पर आ जाएगा एक म्यू से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, यू की जो पर तो 1/2 म्यू नॉट होगा, ये एल है, यहाँ पर एल स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, एल हो गया और ये ए हो जाएगा इनटू आई स्क्वायर। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, ये कुछ दिख रहा है क्या, ये आपको दिख रहा होगा इंडक्टर, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलेनोइड म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल इनटू ए, यही है क्या हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलेनोइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलेनोइड। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर इन सॉलेनोइड या इंडक्टर, क्या लिख सकते हैं आप एल इनटू आई स्क्वायर, कि अगर उसमें से जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो उस समय जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे हम कह सकते हैं कि जो सोलेनोइड में एनर्जी स्टोर होता है वो एनर्जी स्टोर होता है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए सर।